हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीसीएल के लिए टॉप जीके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जीके के स्टैटिक क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के लेवल से। चलो पहला क्वेश्चन आप देख, चलो भाई पहला क्वेश्चन दिया गया चर्चित पुस्तक, दो पुस्तकों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और वी श्रैक द ड्रैगन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको आता होगा प्रदीप गुहा के द्वारा लिखी गई, इसमें केवल डिटेल की बात आने जो थी नहीं, तो राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में 2020 के मध्य देश भर में वन्यजीव सप्ताह मतलब 7 दिन का होता है, 2 से 8 मतलब 7 दिन का हो गया। अब यही 2020 की इसमें विषय क्या था, इस सप्ताह का मुख्य विशेष क्या था? तो भाई ये विशेष क्या था, मानव व जानवर अंतर संप्रदायों का अन्वेषण, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन, ये क्या लिखा है देखो, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम 100 ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? आयुष्मान खुराना, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ? 54 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट ऑप्शन इसका, 20 जनवरी 2021, बी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? आयु संवाद अभियान, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी पार्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा, तो आपका वित्त मंत्रालय होगा, ठीक है। किस राज्य में 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनागत पंख अभियान शुरू किया जाएगा? 56 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, मध्य प्रदेश। 57 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में गांधी शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा की, वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो सकता है राइट ऑप्शन, ए पार्ट है वैसे तो, शेख मुजीब रहमान, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत की पेशेवर फुटबॉल लीग में एक इंडियन सुपर लीग, ठीक है, 2020-2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? 53 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी ऑप्शन है, मुंबई सिटी एफसी। अगला क्वेश्चन है देखिए, चलो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है, देखो क्या लिखा है, केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में गांधी शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा की, वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 57 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये दोस्तों दोबारा क्वेश्चन आ गया, 59 से कराना था, ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की, बताइए क्या होगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की, याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, 59 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन क्या होगा, उत्तर प्रदेश, भाई याद कर लेना अपना उत्तर प्रदेश राइट ऑप्शन है। हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 60 नंबर क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन है, एन वी रमाना, ठीक है, न्यायाधीश कौन बने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स का अर्थ क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा, 61 नंबर क्वेश्चन है, तो भाई ब्राज़ील रूस भारत चीन दक्षिण अमेरिका, ठीक है, पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में BHIM का फुल अर्थ क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया BHIM, तो बी से तो भारत आपको होगा, लेकिन एस से क्या होगा बताइए जरा क्या होगा। चलो तो एस से आपका इंटरफेस फॉर मनी होता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इंटरफेस फॉर मनी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मनीकृत संस्था नहीं है? 63 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन, ISI नहीं है, वैसे ये सब है आपके, ठीक है। चलो भाई राइट ऑप्शन नहीं है पूछा गया ना, तो ये नहीं संस्था नहीं है। ए नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन, पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्या होगा, 64 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन एक मिनट रुकिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से बोल दे रहे आपको, ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देख, चलो भाई 65 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा, नई दिल्ली में पहला ACID कब आयोजित किया गया था? 65 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, बी पार्ट है, वर्ष 1951 में नई दिल्ली में पहला ACID कब आयोजित हुआ था, 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पहली क्लोन डॉली डैश थी कौन थी भाई, 66 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन ए पार्ट, भीड़, क्लोन डॉली, पता होगा डॉली भीड़ है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है,
67 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी पार्ट है, पद्म भूषण, ठीक है, 67 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यॉर्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ, 68 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा, 68 का ए पार्ट, वर्ष 1966 ईस्वी में। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक मिनट फिर से रुक जाइएगा, बताइए अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। 69 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ए पार्ट, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। मंजीरा लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है, मंजीरा लोक नृत्य में, बताइए एक मिनट, चलिए बताइए अब, 70 नंबर क्वेश्चन है, डी पार्ट, ये सभी बजाए, मंजीरा में आपको क्या होता है, मंजीरा डफली और नगाड़ा सब किया जाता है, मंजीरा लोक नृत्य में, ठीक है, ये नहीं कि केवल मंजीरा ही होता है, तीनों होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया डाउट करने के लिए, तो याद कर लेना, मंजीरा लोक नृत्य में नगाड़ा डफली और मंजीरा सभी होते हैं, ठीक है, 70 का यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप जितने भी क्वेश्चन थे आपको, ठीक है, चलो भाई। और ये कि मंजीरा लोक नृत्य होता कहाँ पर है, ये आपका मेवात ज़िले में होता है, ठीक है, मेवात ज़िले में होता है, चलो भाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, चलो भाई। अगर ये कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।